डेमोक्रेसी क्या है? ये डेमोक्रेसी बिकॉज काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो कबीर। ज्योति मैम सुना इंडियन सिनेमा की एक और बेहतरीन मूवी और साउथ के सुपरस्टार नितिन के कैरियर की एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है रॉबिन हुड। और अगर आप भी इस मूवी के रिलीज होने का वेट कर रहे थे तो फाइनली दोस्तों इस मूवी को लेकर आज के दिन बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साउथ की एक नई मूवी हिंदी डब्ड में रिलीज हो चुकी है जिसको आप अभी अपने मोबाइल पर भी देख सकते हो। तो दोस्तों रॉबिन हुड जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसके अंदर कॉमेडी के साथ साथ रोमांस के साथ साथ बेहतरीन एक्शन सीन भी हमें देखने को मिलने वाले हैं और ये मूवी पूरी तरीके से एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाली है। लेकिन लंबे समय से इस मूवी को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई अपडेट नहीं दी जा रही थी और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स परेशान थे कि आखिर इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या ये मूवी अपने सही समय पर रिलीज होगी या नहीं, या फिर इस मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन किया जा रहा है। तो अगर बात करें रॉबिन हुड मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की और रिलीज डेट की, तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आज का हमारा सवाल है कि सुपरस्टार नितिन और श्रीलीला इससे पहले किसी मूवी में साथ काम कर चुके हैं या नहीं, या फिर ये दोनों पहली बार साथ काम कर रहे हैं। आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप सही आंसर देते हो तो आपको 20 रुपीज का प्राइज मिलेगा जो कि आप हमारे इंस्टाग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैं विनर्स की लिस्ट अपलोड करता रहता हूं। अपना नाम देखकर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें रॉबिन हुड मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की, तो मैं आपको बता दूँ कि इस मूवी की शूटिंग अभी भी चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने तक इस मूवी की शूटिंग को कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद इस मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन और डबिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि जैसा कि इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है और ये मूवी आपको 20 दिसंबर को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी, लेकिन खबरों की माने तो अब इस मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन भी किया जा सकता है। अगर इस मूवी की शूटिंग और इस मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन सही समय पर नहीं कंप्लीट हो पाता तो ये मूवी हमें नेक्स्ट ईयर भी देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें दूसरी साउथ मूवी की जो कि आपको डायरेक्ट OTT पर देखने को मिलने वाली है हिंदी में, तो इस मूवी का नाम है रुसलान, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और आप में से बहुत से लोगों को इस मूवी का इंतजार होगा। तो फाइनली दोस्तों रुसलान मूवी आपको 21 सितंबर को जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी, वहां पर इस मूवी को आप बिल्कुल इंजॉय कर सकते हो।